स्वागत है आप सभी का चैनल वन न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ सुजाता और आज अपनी इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं उन डॉक्टरों और अस्पतालों की जो मानव सेवा का प्रण तो लेते हैं लेकिन सेवा तो दूर उनका मानवता के मूल्य से भी कोई सरोकार नहीं है। ऐसी ही घटना फिर सामने आई है दिल्ली से सटे गुरुग्राम में। फोर्टिस अस्पताल का एक शर्मनाक वाकया सामने आया है। यहाँ एक डेंगू से पीड़ित 7 साल की बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया। करीब 15 दिन तक उसका इलाज किया गया लेकिन आखिर में उसे बचाया तो नहीं जा सका लेकिन अस्पताल ने इलाज के लिए बच्ची के परिजनों को 16 लाख रुपए का बिल थमा दिया। यहाँ तक कि बच्ची के मौत के बाद परिवार वालों से जो आखिरी कपड़ा यानी जिसे कफन कहा जाता है वो जो बच्ची को पहनाया गया उसका भी बिल वसूल लिया गया। इसके बाद परिजनों की मांग है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सवाल यह है कि आखिर उनका इलाज कैसे किया जाए, जितने पैसे खर्च हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मामले की जांच के अब आदेश दिए हैं लेकिन इस चीज से हॉस्पिटल की साख पर निशान जरूर खड़ा हुआ है। दिखाएंगे आपको और इसके बाद बात करेंगे हम अपने मेहमानों से भी लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। की आद्या अब इस दुनिया में नहीं रही। आद्या की माँ इसके लिए गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल को जिम्मेदार मानती है। आंखों में आंसू लिए आद्या की माँ दीप्ति बताती है कि एक तो डॉक्टर बेटी की जिंदगी नहीं बचा पाए उल्टा इलाज के नाम पर 20 पन्नों का 16 लाख रुपए का बिल थमा दिया। कभी भी नहीं पूछा इलाज की, आखिरी दिन तक हमने नहीं कभी पूछे कि क्या एक्सपेंसेस हैं उसके। डायलिसिस हफ्ता 10 दिन तक नॉन स्टॉप चले थे। हमने एक बार भी उनसे नहीं पूछा। रोज हस्बैंड के पास बिल आ जाता था, लाख डेढ़ लाख 2 लाख का बिल की आज का बिल इतना है, आज का बिल इतना है, आप आके पे कर दीजिए। खर्चे भी हमने कभी भी उनसे नहीं कहा। हमने बल्कि उनको खुद ही कहा कि आप जो मशीन यूज करना चाहते हैं, जो प्रोसीजर आपको लगता है कि हाँ इसके लिए फायदा है आप कर सकते हो। और उसके बाद भी उनका ये भी था कि हो सकता है उसके बाद भी ठीक ना हो। 7 साल की आद्या को शायद पता नहीं था कि जिन डॉक्टरों पर भरोसा करके माँ बाप ने उसकी जिंदगी सौंप दी वही मौत के सौदागर बनकर उसकी जान का सौदा कर रहे हैं। शानदार बिल्डिंग, आधुनिक सुविधाओं और देश भर में अपनी साख का दावा ठोकने वाले फोर्टिस अस्पताल पर आद्या के माँ बाप ने ऐसे ही कई संगीन आरोप लगाए हैं। डॉक्टर ने तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, इसी में बच्चे को रखा है इतने दिन, लेकिन बच्चे का ब्रेन जो है बहुत शुरू में ही डैमेज हो चुका था जिसे डॉक्टर ने जानबूझ के टेस्ट नहीं किया। और उन्होंने 10-15 दिन हफ्ता भर 10 दिन जो है उन्होंने इसको ट्रीटमेंट को अपने जारी रखा जबकि उनको पता था कि उसका ब्रेन डेड हो चुका है। मतलब उस टाइम तो उनके हिसाब से तो बच्चा उनके अस्पताल में तो जीवित अवस्था में ही था। तो लामा में उन्होंने हमसे बोला कि आपको हम एम्बुलेंस नहीं देंगे, लामा में एम्बुलेंस नहीं देते हैं, ये लामा का रूल है, जो कि उन्होंने गलत बताया, जो मुझे बाद में पता चला कि गलत है। उन्होंने कहा कि आपको हम डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे, आप यहाँ से बच्चा हम आपका वेंटिलेटर आपके एम्बुलेंस में हटाएंगे, फिर आप बच्चे को दूसरे अस्पताल लेके जाइए, वहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट लीजिए। मेरा बच्चा ICU के गेट के सामने था तो हम लोग दिन भर बच्चे को वहाँ से देखते रहते थे। जुड़वा बहनों में से बड़ी आद्या को 2 महीने पहले डेंगू हो गया था। इसके बाद उसे द्वारका के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। डेंगू होने के 5वें दिन उसे रॉकलैंड से गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में भेजा गया। इसके बाद परिवार को बिना जानकारी बच्ची को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। अब आपको बताते हैं आद्या को क्या हुआ था। ये मामला दिल्ली के द्वारका में रहने वाले जयंत सिंह की बेटी से जुड़ा है। IT प्रोफेशनल जयंत की 7 साल की बेटी आद्या को 27 अगस्त को तेज बुखार हुआ। दूसरी क्लास की स्टूडेंट आद्या को 31 अगस्त को गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां 15 दिन तक उसका इलाज चला। 10 दिन वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रही। 14 सितंबर को परिवार ने उसे अस्पताल से ले जाने का फैसला किया लेकिन उसी दिन बच्ची की मौत हो गई। दरअसल बच्ची के पिता जयंत सिंह के एक दोस्त ने ट्विटर पर 17 नवंबर को हॉस्पिटल के बिल की एक कॉपी के साथ पूरी घटना शेयर की जिस वजह से ये मामला सामने आया। ट्विटर के अपने मैसेज में उन्होंने लिखा, मेरे साथी की 7 साल की बेटी डेंगू के इलाज के लिए 15 दिन तक फोर्टिस अस्पताल में भर्ती रही। अस्पताल ने आद्या के बिल के लिए 20 पन्नों का पर्चा तैयार किया जिसमें सिर्फ दवाई का बिल ही 4 लाख रुपए था। अस्पताल ने बिल में 2700 रुपए के दस्ताने, 660 रुपए की एक सिरिंज और 900 रुपए गाउन के पैसे भी शामिल किए। डॉक्टर की फीस 52,000 रुपए शामिल की गई। 2,17,000 के मेडिकल टेस्ट के बिल भी तैयार किए गए और इस तरह कुल मिलाकर 16 लाख रुपए का बिल तैयार हो गया।
आखिर में बच्ची की मौत हो गई। चार दिन के भीतर ही इस पोस्ट को 9000 से ज्यादा यूजर्स ने रीट्वीट किया। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हॉस्पिटल से रिपोर्ट मांगी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना को सरकार ने बहुत संज्ञान लिया है। मैंने हॉस्पिटल अथॉरिटीज को इससे की उनकी पूछताछ की है और मैंने उनको कहा है कि आप एक डिटेल रिपोर्ट भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजें और मैंने स्वास्थ्य सचिव से कहा है कि वह इसके ऊपर देखें, उनके डिटेल रिपोर्ट पर कार्रवाई करें और व्हाटएवर नीडेड एक्शन इज देयर वी विल बी टेकिंग। हालांकि इस मामले में अस्पताल प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार कर रहा है। अस्पताल ने अपनी सफाई में कहा है, 7 साल की बच्ची आदिया को एक दूसरे प्राइवेट अस्पताल से 31 अगस्त को लाया गया था। उसको डेंगू था जो शॉक सिंड्रोम की स्टेज पर था। हमने इलाज शुरू किया लेकिन ब्लड प्लेटलेट्स लगातार गिर रहे थे। हालात खराब होने पर हमने 48 घंटों के अंदर उसे वेंटिलेटर पर रखा। परिवार को बच्ची की नाजुक हालत के बारे में बताया गया। परिवार से बच्ची के बारे में रोजाना बात की गई। 14 सितंबर को परिवार ने डॉक्टर की सलाह के खिलाफ जाकर बच्ची को अस्पताल से ले जाने का फैसला किया और उसी दिन बच्ची की मौत हो गई। जब परिवार ने पूरा बिल क्लियर कर दिया तो फोर्टिस ने बच्ची के शरीर पर मौजूद गाउन का पैसा भी देने को कहा। अब सवाल ये उठता है कि क्या अस्पताल प्रशासन का ये रवैया मरीजों के लिए ठीक है और क्या कहीं डेंगू के इलाज के लिए इतना पैसा वसूला जा सकता है? अगर ऐसा ही है तो क्या भविष्य में डॉक्टर ऐसे ही अपनी मनमानी करते रहेंगे? इसके अलावा बच्ची की मौत के बाद परिवार से बच्ची को पहनाया गया गाउन यानी आखिरी कपड़े का पैसा भी वसूल लिया गया। बड़ा सवाल ये है कि क्या देश के सभी बड़े प्राइवेट अस्पताल सिर्फ पैसा बनाने के लिए बनाए गए हैं और यहाँ के डॉक्टरों में मानवता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है? चैनल वन के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। या तो ये मामला फोर्टिस अस्पताल का है लेकिन न ये पहला मामला है और न ही ये आखिरी मामला है। सवाल ये भी है कि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं लेकिन एक फिल्म को लेकर जो सड़कों पर लोग उतर आते हैं कभी उन्होंने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, कभी किसी राजनेता ने भी आवाज नहीं उठाई कि ये कॉर्पोरेट कल्चर वाले फाइव स्टार अस्पताल इस तरह की लूट क्यों मचा रहे हैं, क्या इनमें नैतिकता या मानवता जैसे कोई मूल्य नहीं बचे हैं। खासतौर पर वो डॉक्टर्स जिन्हें भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, शायद इस दुनिया में सबसे पाप प्रोफेशन किसी को माना जाता है तो वो डॉक्टरों का ही होता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्या हो रहा है। सवाल ये भी है कि आखिर राजनीति इस बात को लेकर जो राजनीतिक करने वाले लोग हैं वो कहां हैं, वो क्यों नहीं सवाल पूछते हैं, क्योंकि सरकारें बदल जाती हैं पर जो व्यवहार है इन अस्पतालों का वो नहीं बदलता है, चाहे वो कांग्रेस की यूपीए सरकार रही हो या फिर वर्तमान में बीजेपी की सरकार। इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। फोर्टिस का मामला सामने आया है तो नड्डा ने कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है और किस तरह से इन बड़े अस्पतालों पर जो एक तरह से रैकेट चला रहे हैं वसूली का, उन पर किस तरह से लगाम लगेगी, इसके लिए क्या करने की जरूरत है, इस पर हम चर्चा करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ कई खास मेहमान है। सबसे पहले हमारे साथ पवन शर्मा जी है, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका पवन जी। राजीव शर्मा जी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को किस तरह की सुविधाएं मिले इसके लिए लंबी लड़ाई ये लड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। राजीव जी स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टरों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दीपक भारद्वाज जी हैं जो कि सीईओ एंड मेडिकल डायरेक्टर हैं सिग्मा की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ही। लेकिन क्योंकि कुछ भी हो इस देश में सबसे पहले बात डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि बात राजनीति की हो जाती है कि जो राजनीति से जुड़े लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इसलिए पवन शर्मा जी मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी कि भले ही पहले आपकी सरकार थी या फिर आज बीजेपी की सरकार है लेकिन इन अस्पतालों का व्यवहार, इनका एटीट्यूड नहीं बदला है। एक मरीज जो अस्पताल में भर्ती होता है उससे इस तरह की वसूली, हैरानी की बात यह है कि डेंगू के इलाज के लिए क्या कोई ऐसी दवाई का इस्तेमाल भी हो सकता है जिसकी कीमत लाखों रुपए में हो, 16 लाख का बिल बना दिया जाए? देखिए पहले तो बहुत ही दुखद घटना है और जिसमें जिस तरह से इस हॉस्पिटल ने बर्ताव किया है वो निंदनीय है और इसमें कहीं देखो मेरे हिसाब से इसमें पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाके एक ये मानवता के हिसाब से भी देखा जाए कि जो भी हॉस्पिटल है उनके ऊपर क्या जो नियम लागू है क्या वो नियमों का पालन करते हैं। आज की डेट में ये देखा जाता है कि
हॉस्पिटल के पास में एक मरीज पहुंचना चाहिए और उसके बाद में उसकी हैसियत के हिसाब से वो उस मरीज को ढूंढने का काम करते हैं जी। चाहे वो किसी भी हॉस्पिटल की बात हो, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका धंधा यही हो गया। इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, डॉक्टर को टारगेट दिया जाता है कि आप जितने मरीज के ऊपर आप जितना पैसा खर्च करेंगे आपको उस हिसाब से कमीशन मिलेगा, जो मेरी संज्ञान में है। लेकिन खास बात यह कि जितने भी डॉक्टर्स, हर डॉक्टर्स को आप उस सारी कैटेगरी में नहीं गिन सकते हम जी, और हर हॉस्पिटल में भी नहीं गिन सकते। लेकिन जो जितने भी बड़े हॉस्पिटल का जो आज की डेट में जो चल गया है, फाइव स्टार होटल की जो होटल टाइप में जो हॉस्पिटल बन गए हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट को लगाम लगाने की जरूरत है। कुछ ऐसा नियम कायदे बनाने चाहिए जिससे कि उनके ऊपर कुछ ऑडिट, जैसे कोई ऑडिट टाइप में कुछ सिक्योरिटी या कोई एजेंसी हो जो उनका मंथली या पीरियडिकली उनके ऊपर ऑडिट करे। ऐसी कोशिशें हुई है, कुछ राज्य सरकारों ने ऐसी कोशिश की है लेकिन वो उसे लागू नहीं करा पाए क्योंकि इसे मानने से इनकार कर दिया गया। राजीव जी, आप तो बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं इस मामले को लेकर। सवाल यह है कि उन्होंने कहा कि राजनीति इस मामले पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि राजनीतिक सरपरस्ती के बिना इतना फल फूल रहा है ये धंधा? देखिए सुजाता जी, जो एक आद्या नाम के 7 वर्ष की हमारी एक बेटी की मौत हुई है, पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उसकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में जगह दे। बहुत दुखद घटना है जहां हमारे देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री एक तरफ अभियान चला रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्या हमारे देश की बेटियां इसी तरीके से बच पाएंगी? क्या भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर और डॉक्टरी पेशे पर ये सवालिया निशान नहीं है कि वो इस हद तक गिर जाए पैसा कमाने के लिए कि उसके कफन तक का पैसा बिल में जोड़ दे? बीमारी है, बीमारी का इलाज डॉक्टर, मैं मानता हूं कि हर डॉक्टर ये चाहता है कि मेरे हाथ से किसी पेशेंट की डेथ ना हो, हर डॉक्टर चाहता है, बेकार से बेकार भी, और वहां तो योग्य डॉक्टर है, फोर्टिस बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मगर इलाज और इलाज के नाम पे पैसा वो एक डिफरेंट चीज हो जाती है। और मौत होने के बाद 16 लाख का बिल थमाना, और कई जगह तो ऐसे मामले मेरे संज्ञान में आए हैं, मैंने शासन प्रशासन के सहयोग से उनको डेड बॉडियां तक दिलवाई हैं कि 6 दिन 8 दिन आईसीयू में रखा मरे हुए आदमी को, मृतक बच्चों को, और उन पे बिल बना रहे। जब वो बच्चों की डेथ हो गई तो ये कह दिया कि इतने पैसे अगर बकाया नहीं दोगे तो डेड बॉडी नहीं उठाने देंगे, क्या ये भगवान का दूसरा रूप हो सकता है? क्या ये एजुकेशन माफिया और हेल्थ माफिया नहीं है? क्या ये हॉस्पिटल माफिया नहीं है? अगर ये गाउंड भी था उस बच्ची के ऊपर, क्या इतनी निंदनीय शर्मनाक हरकतों को उतरा हॉस्पिटल प्रशासन? उनको देखना चाहिए था, उनके घर में भी अपने बच्चे हैं, क्या उनके बच्चों के साथ इस तरीके से उसका भी बिल? और यही बड़े बड़े डॉक्टर, यही बड़े बड़े हॉस्पिटल बाहर आकर के समाज सेवा के, समाज को मदद करने और बता दें दर्शकों को भी, हम बताए लोगों को जानना चाहिए कि जितने बड़े स्कूल और हॉस्पिटल होते हैं जो सरकार से लीज पे जमीन लेकर के बिल्डिंग इमारत तैयार करके 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटल खड़े किए हम बात आज डॉक्टरों की कर रहे हैं और उनके प्रोफेशन की कर रहे हैं कि आखिर जिन्हें धरती का भगवान माना जाता है वो क्यों इस तरह की हरकतें करके जो अपनी इमेज है उसे घटा रहे हैं। इसलिए हमारे साथ हॉस्पिटल उनसे भी हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर भारद्वाज, एक कहावत है, बहुत खराब कहावत है कि कफन की कीमत वसूल लेना, लेकिन फोर्टिस अस्पताल ने शायद वही कर दिया। क्या एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते ये घटना आपको शर्मसार करती है? ये जो घटना हुई है वाकई भाई घटना है, और मैं आपको शेयर करूं कि जो ये बच्ची है ये खुद मेरी कॉलोनी से है और मैं यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, और इस बच्ची को खुद मैंने नवरात्रों में खुद अपने हाथों से खाना खिलाया है। बड़ी दुखदायी घटना है, लेकिन देखिए ऐसा कहते हैं कि डिस्कशन विदाउट डिसीजन इज द वेस्ट ऑफ टाइम मनी एंड रिसोर्सेज, और सरकार को ये देखना चाहिए कि ये जो भी जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनके रेट फिक्स करने चाहिए सबसे पहली बात। दूसरी बात, जैसा अभी हमारे दूसरे कहते थे कि उनको जमीन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई, यस मिली है, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन मिली है, और हेल्थ केयर एक आज की डेट में एक बिजनेस हो गया है, लेकिन इसको हम
अच्छे तरीके से सुचारू रूप से अगर चलाना चाहते हैं तो सरकार को आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, डॉक्टरों के भी रेट फिक्स करें और साथ साथ वकीलों के भी रेट फिक्स करें, क्योंकि ये जितने भी डिस्प्यूटेड केस होते हैं वकीलों के पास जाते हैं, पहले वो डॉक्टरों के पास लुटते हैं फिर वकीलों के पास लुटते हैं जी। और आजकल कुछ देखो कुछ लोग बुरे हर प्रोफेशन में होते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे भी हो गए हैं जो यवराज से भी बढ़कर हो गए हैं, जान तो ले जाते हैं साथ साथ पैसा भी ले जाते हैं जी जी। लेकिन आपने एक तरह के रैकेट की बात कही है, पर डॉक्टर भारद्वाज इस पे लगाम लगेगी कैसे, क्योंकि हमने देखा है कई राज्य सरकारों ने कोशिश की कि रेगुलेशन एक्ट लाया जाए लेकिन उसे माना नहीं गया। आईएमए ने खुद इसका विरोध किया कि हम इस तरह के बिल को, इस तरह के कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। आईएमए ने विरोध किया, मैं मानता हूँ। आईएमए ने कहा कि साथ में वकीलों के भी रेट फिक्स करो, इसके ऊपर लगाम सिर्फ सरकार लगा सकती है, क्योंकि मैडम 80% जो हॉस्पिटल है वो प्राइवेट सेक्टर में है, 20% जो हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट में है जी। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम नहीं करना चाहते, अच्छा हेल्थ केयर प्राइवेट में है, और गवर्नमेंट में आप जाइए एक नर्स भी अपने आप को मेडिकल सुपरिंटेंडेंट समझती है। और ये जो घटना हुई है ये वाकई में जांच के लायक है, जब जांच सामने आएगी तो एक्चुअल में पता चलेगा प्रॉब्लम से हमको क्या सबक लेकर के। जी बिल्कुल बिल्कुल, जांच तो होगी ही लेकिन लगता नहीं कि कोई सबक लिया जाएगा, क्योंकि ये पहला मामला तो है नहीं, इससे पहले भी ऐसे बहुत से मामले सामने आ चुके हैं, यहाँ तक कि इससे भी ज्यादा घिनौने मामले सामने आ चुके हैं, जबकि डेड बॉडीज को रख लिया गया, उनको बंदी बना लिया गया कि जब तक बिल नहीं चुकाया जाएगा तब तक बॉडी ले जाने नहीं दिया जाएगा। सवाल यह है कि राजनीतिक लोग इसमें क्या कर रहे हैं, सरकारें क्या कर रही हैं। पवन शर्मा जी, जिस तरह से अभी फिर बात हुई है कि कानून लाना चाहिए, सरकार ने कोशिश की, हम कर्नाटक की बात करें वहां भी, पश्चिम बंगाल की बात करें वहां भी, केरल में भी इस तरह का बिल लाया गया लेकिन उसे माना नहीं गया, क्या सरकारों को ऐसी ताकत दिखानी चाहिए या सरकार खुद ये जो बड़े बड़े रैकेट चलाए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े घराने इन अस्पतालों को चला रहे हैं उनसे दबी हुई है? देखिए बेसिकली जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं कुछ तो वही माफिया टाइप में काम कर रहे हैं। आज देखिए एजुकेशन देख लीजिए या मेडिकल फैसिलिटीज देख लीजिए, ज्यादातर ये सारे के सारे मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन हब ये राजनेताओं के हो गए हैं। आज की डेट में जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है उसने एजुकेशन सिस्टम को, जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको डाउनग्रेड किया है अपग्रेड करने की बजाय। ऐसे ही हॉस्पिटल है, अगर आप हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं देंगे तो प्राइवेट में कौन जाना चाहेगा? हर कोई आदमी आज अच्छी सुविधा लेने के लिए प्राइवेट में जाता है कि मेरा बच्चा बच जाए, जो भी पेशेंट है उसको अच्छा स्वास्थ्य लाभ हो। लेकिन सरकार की जो फैसिलिटीज हैं वो प्रॉपर नहीं है हॉस्पिटल्स में। अगर खुद ही सरकार आगे बढ़ के अच्छे हॉस्पिटल बनाए और अपने जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं अगर उनमें अच्छी सेवाएं दे, अच्छी सुविधाएं दे, तो मरीज इनके पास जाएगा ही नहीं। और रही बात इनके ऊपर कुछ नियम कानून बनाने की, तो अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है सरकार की तो ये लागू किया जा सकता है और बनाए भी जा सकते हैं जी। 2017 में एक कानून भी लाया गया लेकिन देखना यह कि उसके बाद फर्क कितना पड़ा है। सवाल यह भी है कि आखिर अस्पतालों की जो मनमानी चल रही है उस पर लगाम लगेगी तो कैसे लगेगी और कौन इतनी इच्छा शक्ति दिखाएगा कि इन पर लगाम लगा पाए। राजीव जी, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति को तो साफ तौर पर कमी लगती है, क्योंकि आपने भी कहा कि सरपरस्ती तो वहीं से हासिल है, इसलिए सुजाता जी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। एक कहावत है कि मुंह खाता है तो आंख शर्माती है। ये हॉस्पिटल मोस्टली हॉस्पिटल या तो बड़े राजनेताओं के हैं या तो मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स के हैं या उन लोगों के हैं जो इलेक्शन फाइनेंसर हैं इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के। जब आप उनसे चंदा ले लेते हैं चुनाव के समय, जब आपकी साझेदारी है, आपके मंत्री मिनिस्टरों की एमपी एमएलओ की साझेदारी है, तो बड़ा सवाल इस बात का है कि कौन करेगा, कौन उनके ऊपर लगाम लगाएगा, कौन जब सरकार ही बैठी है और सरकार के नुमाइंदे उसमें सेंध लगा करके अपने व्यापार रूपी धंधे को यमराज रूपी स्थिति में ले जाकर के गरीब लोगों की जान से खेल रहे हैं और गरीब लोगों की जान उनको प्यारी नहीं है अपने पैसे के सामने। और एक कहावत है कि जब दूध की रखवाली बिल्ली बैठा दी जाती है तो दूध बचेगा नहीं। ये लोग जो रखवाली के लिए बनाए जाते हैं, जो बोर्ड बनाया जाता है, जो एक बोर्ड इस तरीके की एक कमेटी गठन की जाती है जांच में, उनमें भी इन हॉस्पिटलों के या कॉलेजों के पैरोकार ही होते हैं। इसलिए आज तक कोई
जांच किसी नतीजे पर जांच का नतीजा अपने टीवी चैनल के माध्यम से या हमारे कांग्रेसी साथी बैठे हैं या बीजेपी के लोग होंगे या जो भी एक प्रदेश सरकार है, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, किसी पार्टी विशेष की नहीं। जो भी इस समय सत्ता में सरकार है, जो प्रशासन है, जिम्मेदारी होती है। मैं एक चीज और आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और रोजगार ये व्यक्ति का पहला मूलभूत अधिकार है। सरकार इन चारों में से किसी को भी देने में कोई भी सरकार सफल। हाँ, लेकिन शायद चिकित्सा को कभी मूलभूत आधार के रूप में देखा नहीं गया। शायद ये हमारा फंडामेंटल राइट है सुजाता जी, हमारा अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार कभी नहीं चलती। मगर लोगों की मजबूरी है, सरकारी अस्पतालों में जब ताना बाना बिल्कुल दुरुस्त है तो आदमी अपने पेशेंट को उठा करके इस जाना पड़ता है। लग जाएंगे वहां जान लेकिन ये भी बड़ी विडंबना है कि दुनिया में सबसे कम खर्च चिकित्सा पर अगर कोई देश करता है तो उनमें भारत है। यहाँ पर अगर हम शिशु और माता मृत्यु दर की करें बात तो वो भी सबसे ज्यादा है, ये WHO की रिपोर्ट कहती है। यानी चिकित्सा सुविधाओं का बुरा हाल है। पर अगर हम मोदी सरकार की बात करें, वर्तमान मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई करने की बात कहती है, तो क्या ये जो अस्पताल इस तरह की लूट मचा रहे हैं क्या वो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होता है? इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के सदस्य नहीं है, उनके कोई प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल से ही है, कांग्रेस से हमारे साथ पवन जी है। पवन जी, सवाल यह है कि क्यों इस तरह की बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया कि अगर हम चिकित्सा में बजट की हम बात करें तो हमारा जो हेल्थ बजट है वो दुनिया में बहुत जो कमजोर देश है उनसे भी कहीं गया गुजरा है। यूपीए ने भी उस पर खास ध्यान नहीं दिया। यूपीए के टाइम में भी GDP का सिर्फ 2.5% ही चिकित्सा पर खर्च होता था और आज भी वही होता है। देखिए, ये तो मैं मानूंगा कि जहां पे भी हो सरकार की अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो बजट को बढ़ाया भी जा सकता है। जब हमारी सरकार थी तो हमने एजुकेशन पे अच्छे काम किए, अच्छे हॉस्पिटल बनाए। आज हालात ये हो गए कि जो हॉस्पिटल बनाए गए हैं उनकी केयर करने के लिए भी ये इन लोगों ने बजट का प्रावधान कम कर दिया है। तो ये तो सरकार के ऊपर है। भाजपा सरकार ने आज अगर कोई घोषणा करी हो तो वो भी बताएं, जो भी अभी उद्घाटन इन्होंने एम्स के या वहीं से किया है कि इस मुद्दे पर हम राजनीति ना करके हैं। नहीं, वो तो ठीक है। देखो, दो चीजें हैं उनको सामने जो आना ही पड़ेगा। सरकार में ऐसे मामले सामने नहीं आए हो, सरकार में नहीं आए हो, या बसपा सरकार में नहीं आए हो, या चौटाला गवर्नमेंट में ऐसे मामले, सरकार कोई भी इन मामलों से छूती नहीं है और देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने का अधिकार सरकार का पूर्ण रूप से दायित्व है। सरकार पैसा देना, रोजगार देना और रहने के लिए जगह देना भी सरकार हो। अगर कोई पीछे कोई नीतियां चल रही हो उनके ऊपर चला डेवलप किया जा सकता है, उनको आगे डेवलप किया जा सकता है, दी जा सकती है। अगर लेकिन उनको बिगेड तो मत करिए जी। लेकिन सवाल अगर बजट का प्रावधान बढ़ाने तो उनको बढ़ाना चाहिए। पवन जी बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी है कि 65-70 साल में भी इस देश में जो बुनियादी सुविधा है, जो फंडामेंटल राइट है, वो लोगों को हासिल नहीं हो पाया। इलाज का जो अधिकार है, जीवन का जो अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट है, लेकिन कुछ सरकारी अस्पताल में इलाज न मिलने से मर जाते हैं और कुछ ऐसे भी मरने के बाद पैसा न होने के। हम लोग जीरो से उठ के कहां तक पहुंचे हैं ये भी आप देख लीजिए। फैसिलिटी जहां जीरो होती थी वहां पे कितने एम्स बने हैं, कितने हॉस्पिटल्स बने हैं। अब बात आप ये तो मानते हैं कि टेंडेंसी है कि जो चिकित्सा सुविधा है वो कभी प्रायोरिटी नहीं रही। आप देश के रक्षा बजट पर हर साल जो खर्च है वो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन चिकित्सा को कभी समझा ही नहीं गया, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ऐसा नहीं है, समझा भी गया है, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट बदलती है, पॉलिसीज बदलती है, अब उनकी प्रायोरिटीज कुछ अलग हो जाती है। लेकिन अगर सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज उपलब्ध होता, आसानी से मिल जाता, तो कोई क्यों जाता अपने बच्चों को लेकर खुद कहता हूँ। अगर सरकारी हॉस्पिटल में अगर अच्छी सुविधा मिले तो आदमी क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा? जी, एक चीज मैं आपको बता दूं। हाँ जी। जब इलेक्शन आते हैं या राजनेताओं को आपने कहते और सुनते भी सुना होगा कि देश का नागरिक स्वस्थ हो और शिक्षित हो जी। मगर इसके विपरीत सच्चाई क्या, आज मैं आपको बता दूं। हमेशा मैं टीवी चैनलों के माध्यम से उजागर करता रहता हूं, देश का नेता और देश की राजनीति कभी नहीं चाहती कि देश की आवाम शिक्षित और स्वस्थ और बेहतर रहे। क्यों? जिस दिन स्वस्थ शिक्षित हो गई
उस दिन इनसे हिसाब मांगने लगेगी, इनके रहमो करम पर नहीं चलेगी, इनकी वोटों की मोहताज नहीं रहेगी, इनके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएगी। देश का नेता यह चाहता है कि उसके देश की आवाम जितनी अशिक्षित रहेगी, जितनी अस्वस्थ रहेगी, उतनी सिफारिशों के बहाने हमारे पीछे पीछे दौड़ती रहेगी। विधायक जी हमारा इस हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट करा दीजिए, इसमें हमारा स्कूल में दाखिला करा दीजिए, और हम उसी एहसान के बदले उनसे वोट रूपी फसल उभाते रहेंगे। देखिए बहुत कड़वी सच्चाई है, या हमारी के कांग्रेस पार्टी के नेता भी बैठे हैं, हो सके इनको मेरी बात बुरी लगेगी, मगर कड़वी सच्चाई यही है, क्योंकि लोग शिक्षा और चिकित्सा के पैसे को सेवा से, समाज सेवा से न जोड़ करके व्यापार बना लिया है, व्यापार ही नहीं घिनौना व्यापार बना लिया। बिल्कुल, सवाल जब हम कर रहे हैं तो शिक्षा की भी बात होती है कि वो स्टूडेंट जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, जिन्हें ये प्रण ये कसम दिलाई जाती है कि वो मानवता की सेवा करेंगे, उनके नैतिक मूल्य आखिर कहां जा रहे हैं? सीटें एमबीबीएस डॉक्टर की 60 लाख 1 करोड़ 50 लाख रुपए में बिक रही है, जो अपने घर जमीन गिरवी धर करके आ रहे हैं, वो डॉक्टर बनने हैं, वो कल बनते ही पहले लूट खसोट मचाएंगे, अपना हॉस्पिटल बनाएंगे, 1 से 2 बनाएंगे, 2 से 4 बनाएंगे, जो एमबीबीएस के समय में उन्होंने सीट खरीद कर डॉक्टरी का जो पैसा उधार लेकर कहा था उसको चुकाएंगे, वो देश की सेवा नहीं करेगी। जिस पुलिस महकमे में, जिस सरकारी डिपार्टमेंट में 8 लाख 10 लाख 15 रुपए रिश्वत लेकर के भर्ती हो रही है, वो पहले आपकी सेवा करेंगे या अपना घर भरेंगे? आप मुझे ये बताइए, जिस राजनीति में लाखों करोड़ों रुपए देकर के टिकट लेकर के नेता चुनता रहे, शराब बांट करके और तमाम लाल लश्कर के साथ जीत का रहा है, आप उस नेता से जो करोड़ आप उससे कौन से समान सेवा की उम्मीद कर रहे हैं? ये देश और हम लोग और ये नेता किस समाज? बिल्कुल, बड़ा ही विशेष सा सर्कल है ये, जो किस तरह से एजुकेशन से शुरू होता है और उस बात, और ये सिर्फ इस प्रोफेशन में नहीं है, बहुत तमाम है। अभी हमारे लोग सब कह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल है कि आप ये रुके रह कैसे? और वकील ये कहते हैं, ये वकील ये कैसा प्रोफेशन है जिसकी कोई जी नहीं जी? राजीव जी, अब आपकी डॉक्टर प्रोफेशन की बात हो रही है तो डॉक्टर भादवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार फिर हम बात करते हैं। डॉक्टर भादवाज, हमने बहुत सी बातें सुनी, सामाजिक स्तर पर या मानवीय मूल्यों के स्तर पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही बेसिक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जब हम रेट फिक्स करने की बात करते हैं, और अगर हम महंगाई से ही जोड़ लें कि कम से कम एक एमआरपी तय की जाती है कि कोई चीज जो है उसका अधिकतम मूल्य इतना ही हो सकता है, मुझे ये बताइए कि जो ये बिल मैंने देखा फोर्टिस का, 1 सिरिंज 650 रुपए से ज्यादा की, एक बच्ची को जो गाउन पहनाया जाता है, हर दिन नया गाउन पहनाया जाता है 900 रुपए का, उसकी कोई सीमा तय होगी या नहीं होगी? या फिर अगर हम डेंगू की बात करें तो ऐसी कौन सी दवाइयां इस्तेमाल होती है डेंगू में जिसका लाखों का बिल हो सकता है? देखिए, ये जांच का विषय है, अभी मैंने बिल देखा नहीं है, लेकिन ये जो भी पूरी घटना है इसकी पूरे सिरे से जांच होनी चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं मेडिकल प्रोफेशन की, तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं कि इस मेडिकल प्रोफेशन में सब लोग इसी तरीके से हैं, बहुत सारे लोग अच्छे लोग भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ये नहीं कह रही कि सब अच्छे हैं। तकरीबन अमेरिका में भी 43% हमारे जो इंडियन डॉक्टर वहां पर काम करते हैं, तो हमारे डॉक्टर ऐसा नहीं है कि कोई कम है, लेकिन कुछ लोग हर प्रोफेशन में होते हैं जो उसको गंदा करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर हम भी चाहते हैं कि एक्शन हो, कार्रवाई हो, और सरकार देखिए विचार विमर्श ना करे, रिपोर्ट ना मांगे, नड्डा साहब ने कहा कि रिपोर्ट दे, रिपोर्ट से क्या हो, एक्शन लीजिए सर, रेट आपको आपके साथ में है सर, हम प्राइवेट हेल्थ केयर वाले भी आपके साथ में है, आप एक्शन तो लीजिए जी। लेकिन क्या डॉक्टर बाबा, आप मानते हैं कि डॉक्टरों पर भी प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ तक सुना गया है कि उनका एक टारगेट फिक्स होता है, उनसे कट लिया जाता है, डॉक्टरों पर ये आरोप भी है कि वो कोई जांच लिखते हैं तो पर्टिकुलर किसी क्लिनिक में भेजा जाता है, लैब में भेजा जाता है, उनका एक परसेंटेज कट उनको मिलता है, और महाराष्ट्र में बाकायदा इसके लिए सरकार को कदम भी उठाना पड़ा, बिल भी लाना पड़ा, हालांकि उससे कोई फायदा हुआ नहीं है। मैडम देखिए, कट परसेंटेज हर प्रोफेशन में चलते हैं, लेकिन एक डॉक्टर जो होता है ना, वो उसकी कमाई धीरे धीरे करके घटा होती है, और एक डॉक्टर ही ऐसा है कि जो इवन संडे या हॉलीडे को भी रेस्ट नहीं करता, और डॉक्टर्स के अगेंस्ट आज मैं रियली में आपको बताता हूँ, द पावर ऑफ पेन एंड कैमरा इज यूज एज ए थ्रेट, लेकिन ये सबके पास से ऐसा नहीं है, ये तो कुछ ही लोग ऐसे हैं, 2% लोग ऐसे होंगे जो इस तरह काम कर रहे हैं, आप उनके साथ में बैठ करके विचार विमर्श करिए, और फोर्टिस के लोगों को भी जोड़िए, फोर्टिस अपने आप में एक नामी ग्रामी ऑर्गेनाइजेशन है, बच्ची से भी पूरी हमदर्दी है, और अगर आप इसको पॉलिटिक्स में सवाल यही उठ रहा है कि जो नामी गिरामी है, जिनका नाम बहुत बड़ा है, उनके काम इतने छोटे क्यों है, इतने घटिया क्यों है? और जिस तरह से आपने बात कही, ये छोटी नहीं, आपने कहा कि ये छोटी बात है,
लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस देश में 60% जो चिकित्सा पर खर्च होता है वो लोग अपनी जेब से ही करते हैं, बाकी 40% ही है जो गवर्नमेंट अस्पतालों या इस तरह की सुविधाएं देते हैं। यानी 60% लोगों से जुड़ा हुआ ये मामला है जो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों या बड़ा अस्पतालों। यस यस यस, लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते नहीं है, इलाज अच्छे से नहीं होता, इस वजह से प्राइवेट में जाते हैं। हमारे नेता, राजनेता, अभिनेता सब वहां जाते हैं, प्राइवेट में इलाज करा के आते हैं। और देखिए, जो हमारे नेता लोग हैं, मैं तो ऐसा कहता हूँ कि लीडरशिप इज एक्शन नॉट पोजीशन। आप आगे बढ़िए और हम आपके साथ पूरा आपका सहयोग करेंगे प्राइवेट हेल्थ क्षेत्र के अंदर। और साथ साथ मेरी ये भी गुजारिश है कि वकीलों की रेट फिक्स करिए, क्योंकि उसके बाद मेडिकल लीगल केस फाइल होता है और फिर एक तरफ तो हॉस्पिटल में कटने जा रहे होते हैं, फिर दूसरी तरफ कचहरी में कटने जा रहे होते हैं, और एंड में क्या होता है, कुछ नहीं होता, जीरो। लेकिन इस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो तो चलता ही रहेगा ना, शुरुआत कौन करेगा? डॉक्टर्स इनिशिएट तो करें कम से कम कि हम पहले अपने ऊपर लगाम लगाएं। यस, हेल्थ तो है ना एक स्टेट सब्जेक्ट है, हेल्थ हमारी कंट्री में दुर्भाग्य की बात है नेशनल सब्जेक्ट नहीं है। हर स्टेट में अपने रूल्स रेगुलेशन है, अपने रेट्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं जी। इनको यूनिफॉर्म करने की जरूरत है आज की डेट में, अगर आप अपने लोगों को अच्छी सेहत देना चाहते हैं। देखिए, डेंगू के टाइम पे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जी, मैं खुद इस प्रोफेशन में हूँ, डेंगू के टाइम पे डॉक्टरों की इतनी कमाई होती है कि कुछ लोगों ने तो डेंगू के से इतनी कमाई करी कि अपने फार्म हाउस खरीदी है। और फार्म हाउस का नाम कुछ टाइम पहले मैं गया तो डॉक्टर साहब कहते हैं जी डेंगू फार्म हाउस, कलेक्शन हो गया जी, पैसे से डेंगू से जो पैसा कमाया है उनके नाम से डेंगू फार्म हाउस। कितना प्रचार प्रसार होता है, भले वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और डेंगू से लड़ने के लिए तमाम तरह की बातें कही जाती है। और डॉक्टर भारद्वाज ने बताया कि डेंगू से कुछ नहीं होता है, डेंगू पे भी सिर्फ सरकार में क्या होता है, अगर आपको कोई काम नहीं करना है तो कमेटी बना दो, रिपोर्ट मांग लो, कुछ नहीं होगा। आप भी दो चार दिन हम गाएंगे चैनल पे या न्यूज पेपर में, उसके बाद क्या हुआ, जिस परिवार ने अपना सब कुछ गवा दिया, मेरे पड़ोसी है, मेरे सामने रहते हैं, उनकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ। उस बेटी को मैंने खुद अपने हाथों से खाना खिलाया है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और मेरा पूरा सहयोग है, मेरी पूरी मेडिकल कम्युनिटी ऐसे लोगों के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल फिर वहीं पे अटक जाता है कि आखिर शुरुआत इसकी कैसे होगी, क्योंकि अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो कई बार कोशिश की गई है राज्य स्तर पर कि इस तरह से रेगुलेशन एक्ट लाया जाए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि वकीलों पर भी इसी तरह की कार्रवाई हो, इसी तरह के रेगुलेशन लाए जाए, लेकिन शुरुआत कहीं से भी नहीं हो रही है। लेकिन बात यहां फिर आती है कि क्या इतनी बड़ी वसूली को किसी भी तरह से मंजूर किया जा सकता है? जो जांच कमेटी बिठाई गई है वो क्या करेगी, उसकी रिपोर्ट कब आएगी, क्या इस तरह के अस्पतालों पर कभी कोई कार्रवाई होगी? पवन जी, क्या आज तक आपने आपका कोई ऐसा तजुर्बा है कि कभी किसी अस्पताल पर कोई कार्रवाई की गई हो, जितने भी बड़े अस्पताल है? देखिए, बड़े का तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ऐसा काफी सरकारों ने किया है, जहां पे अनियमितताएं पाई गई है उनको सील भी किया गया है, सीज भी किया गया है। बड़े अस्पतालों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सवाल यही होता है कि उनका प्रेशर है, इनकी फ्रेंचाइजी देते हैं, इनकी फ्रेंचाइजी इतनी बड़ी, इनकी इतनी जगह खुल गई कि आप अगर किसी एक को बंद करोगे तो दूसरा तो खुला ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति के कारण कुछ दिक्कतें आ रही है सरकार को भी, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। और मैं राजीव जी की बात से सहमत हूँ कि जो राजनेता समर्थन, जो इनसे समर्थन लेते हैं, फाइनेंसर बोलते हैं, इसमें इसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स में जाने की बजाय, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या किसी पार्टी से रिलेटेड हो, एक्शन होना चाहिए और एक्शन तुरंत होना चाहिए जी। राजीव जी, इसी साल 2017 की हम बात करें तो एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई गई है और ये कहा गया कि अब ये सिकनेस के लिए नहीं बल्कि वेलनेस के लिए सरकार काम करेगी। क्या आपको लगता है कि उसके स्तर पर, उस रास्ते पर कोई काम हुआ है? अभी 2-3 महीने पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, BRD जिसको कहा जाता था, करीब 150+ मौतें हुई थी बच्चों जी, जांच भी बैठी थी, कईयों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, मगर किन के, छोटे लोगों के, जो छोटे जिम्मेदार लोग थे, क्या किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ एक्शन हुआ? बड़ा सवाल इस बात का है, किसी राजनेता ने इसकी जिम्मेदारी ली? सुजाता जी, जिस दिन वहां मौत हुई थी बच्चों की, मौतों का सिलसिला, मौत तो कई दिनों से हो रही थी, जिस दिन बड़े पैमाने पर उजागर हुआ था, उससे एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसका दौरा कर रहे थे,
आखिर ये मुख्यमंत्री महोदय का कैसा दौरा था, सरकार का ये कैसा दौरा था, उन्हें ये ही नहीं पता कि हमारे हॉस्पिटल में मेडिकल ऑक्सीजन खत्म हो रही है और बच्चे मर रहे हैं। उसके बावजूद आनंद फानंद में जांच बैठाई गई, तमाम मंत्रियों ने बयान दिए, मुख्यमंत्री ने जांच बैठाई, जांच का रिजल्ट आपके सामने है। क्या कोई मुझे बताएगा कि किसी बड़े दोषी अधिकारी पर, डीएम पर, सीएमओ पर, या शिक्षा या स्वास्थ्य सचिव के ऊपर, या किसी डायरेक्टर के ऊपर, या एडिशनल डायरेक्टर के ऊपर जिसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी थी? क्या सिर्फ दो ही लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी? उसके बाद भी मौतों का सिलसिला रुका नहीं, बिल्कुल। उसके बावजूद वाराणसी में घटना हुई और सरकार ये कह रही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आखिर इन बच्चों को, और इसका विपरीत में एक और उदाहरण दूंगा, जिस किसी राज्य में, हम उत्तर भारत की अगर बात करें, एक गौ माता की हत्या हो जाती है या किसी परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है तो तमाम संगठन सड़कों पर आ जाते हैं, भूचाल आ जाता है, देश की राजनीतिक व्यवस्था उथल पुथल हो जाती है। हमारे देश के भविष्य मासूम नौनिहाल, अभी हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे नहीं उतरते सरकार में गोली नुमाइंदों में इतनी ये जो लोग बात बात के देश का ऐसा इशू बताते थे, लोग ये कहते थे कि देश रहने लायक नहीं रहा, इसमें इतनी आफत आ रही है, वो कहां है, वो क्यों नहीं दिखता? क्या किसी की जान की कोई कीमत नहीं है? भले वो किसी सरकारी अस्पताल में एक मासूम बच्चे की मौत हो या किसी महंगे अस्पताल में भी किस तरह से मौत का सौदा किया जाता है, इस तरह की बातें सामने आती हैं। लेकिन हम अभी एक केस को हम देख रहे हैं जो फोर्टिस अस्पताल में हुआ है, और एक बच्ची 7 साल की जिसे डेंगू हुआ, फिर उसे 15 दिन तक अस्पताल में रखा गया, वेंटिलेटर पर रखा गया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। लेकिन मौत से पहले 16 लाख रुपए का बिल भी बन गया। हम डॉक्टर हमारे साथ हैं, उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर भारद्वाज, हम क्योंकि यहाँ डेंगू की हम बात कर रहे हैं और ये फोर्टिस अस्पताल का बयान है कि जब बच्ची उनके अस्पताल आई तो उसे डेंगू था और वो शॉक सिंड्रोम में पहुंच चुकी थी। पहले मैं आपसे इस टर्म के मायने समझना चाहती हूँ कि आखिर ये कौन सी स्टेज थी, कितनी गंभीर स्थिति हो चुकी थी आद्या की? देखिए, मैंने इस बच्चे की कोई रिपोर्ट अभी तक देखी नहीं है, तो बिना रिपोर्ट देखे उसमें कुछ कहना ठीक नहीं होगा। नहीं, जो शॉक सिंड्रोम बताया गया है डेंगू में, वो मैं आपको, ये काफी क्रिटिकल फेज में थी, उसमें मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे मेडिकल प्रोफेशन को जो गवर्न करती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, खुद ही कैपेबल और उसमें एबिलिटी नहीं है किसी के ऊपर एक्शन लेने की, वो खुद ही सबसे ज्यादा महाकर्म है। आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में आप जाइए, आप देखिए, काउंसिल से ज्यादा वहां पर सीबीआई के लोग ज्यादा बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस वहां पर चल रही है या कुछ ऐसा हो रहा है या जो डॉक्टर इस तरह काम कर रहे हैं, क्यों एक्शन लेते हैं उसके ऊपर, क्यों भी उसको बंद कर देते उठा करके? और ऐसा नहीं है कि हमारे डॉक्टर ऐसे गलत लोगों के साथ है, हम बिल्कुल उनके साथ नहीं है और हम उसमें बल्कि सरकार को या काउंसिल को और अपनी तरफ से सहयोग करेंगे। जो 2-4% लोग हमारे समझना चाहती हूँ कि ये शॉक सिंड्रोम क्या है जिसकी वजह से बच्ची की हालत को गंभीर बता दिया गया कि अब बच्ची का बचना मुश्किल है, उसे वेंटिलेटर पर रख दिया गया। कौन से ऐसे हालात हो जाते हैं जब वेंटिलेटर पर रखा जाता है? देखिए, वेंटिलेटर पे तब रखा जाता है जब बिल्कुल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है और ऐसा नहीं होता कि उसको पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को बताया नहीं जाता कि हम आपके पेशेंट को वेंटिलेटर पर रख रहे हैं, ऐसा शायद नहीं हुआ होगा। और बाकी तो देखिए क्या जो उसकी फाइल देखी जाएगी, जांच का विषय है, सब पता चलेगा। अभी ये मेरे लिए कहना ठीक नहीं है कि उसमें नहीं, मैं सिर्फ आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली जो हमारे दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं उनको समझाने के लिए, उनकी सुविधा के लिए कि आखिर कैसे हालात होते हैं जिसकी वजह से ये करना जरूरी हो जाता है कि वेंटिलेटर पर रखा गया। क्या ये भी, क्या वेंटिलेटर पर रखने का मतलब ब्रेन डेड भी माना जाए कि वेंटिलेटर ब्रेन डेड को ही वेंटिलेटर पर रखा जाता है? जब बॉडी की जो कहते ना मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होते हैं या उसको ऑक्सीजन की कमी होती है या उसको जो कहते हैं नॉर्मल लाइफ वो जी नहीं सकता, तब उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है। वेंटिलेटर एक तरीके से हमारे मेडिकल प्रोफेशन में
एक लाइफ सेविंग टेक्निक होती है जो दर्द को बचाने के लिए की जाती है, और ये आजकल काफी फेमस भी है वेंटिलेटर, और वेंटिलेटर तो भी काफी कॉस्टली होता है, इसकी वजह से बिल भी बढ़ता है, और काफी सारे हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर होते भी नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में जब भी आप पेशेंट देखते हैं तो हम कहते हैं कि वहां पर वेंटिलेटर जी, लेकिन फोर्टिस की तरफ से ये कहा गया है कि हमने मना किया था लेकिन वेंटिलेटर से हटाने का फैसला माता पिता का था और इससे बच्ची की मौत हो गई, इसे हम किस तरह से समझे? इसके ऊपर मैं कोई कह नहीं सकता क्योंकि जब तक उनसे बातचीत नहीं होगी हॉस्पिटल अथॉरिटी से या उनके पेरेंट्स से तो या रिपोर्ट देखा नहीं जाएगा तो कह नहीं सकता। अगर ऐसी परिस्थिति में किसी मरीज को शिफ्ट करना हो तो क्या किया जाता है? शिफ्ट करना हो तो वेंटिलेटर का पेशेंट है तो उसको वेंटिलेटर पे ही शिफ्ट किया जाता है, अगर वेंटिलेटर हटा दिया जाए तो फिर उसमें डेथ हो सकती है। तो फोर्टिस कह रहा है कि हमने प्रोटोकॉल को फॉलो किया है, ये कौन सा प्रोटोकॉल था कि जिसे फॉलो किया गया और 16 लाख का बिल भी वसूला गया, बच्ची की जान भी नहीं बची? मैडम देखिए प्रोटोकॉल तो उनका धरा रह गया ना, बच्ची की डेथ हो गई और प्रोटोकॉल क्या करेगा, जिस प्रोटोकॉल से हम किसी की जिंदगी नहीं बचा सकते तो वो प्रोटोकॉल किस काम का है? आई डोंट नो वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे, तो जो भी प्रोटोकॉल अगर उन्होंने यूज किया है तो यूजलेस है और उसके ऊपर उनको भी सोचने की जरूरत है, और फर्दर उसके ऊपर मतलब वो कहते हैं ना कि सबक सीख करके आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल, देखते हैं कि कौन कितना सबक सीखता है। पवन जी, यहाँ जिस तरह से डॉक्टर भारद्वाज ने भी कहा कि जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं, जो अलग अलग संस्थाएं जो हैं, उन्हीं में करप्शन का बोलबाला है, तो उनसे कैसे उम्मीद की जाए? तो आखिर इसका इलाज क्या है, क्या इसके लिए ओपोजिशन की तरफ से कोई कोशिश की जाएगी कि सरकार इस पर काम करे, या फिर सबका फायदा है, सबका साथ सबका विकास? नहीं, ऐसा नहीं है, जहां जहां विपक्ष की आवश्यकता होती है विपक्ष का भी अपना एक अहम रोल होता है, विपक्ष भी हमेशा सरकार को सचेत भी करता रहता है कि आप ये काम करिए, या जो भी एजुकेशन होते हैं मेडिकल के बारे में, आप देखिए जो गोरखपुर में हुआ उसके ऊपर काफी एजुकेशन हुए हैं, लेकिन उनका फायदा तब है जब गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति हो। आप ये देखिए स्वास्थ्य मंत्री अपने हिसाब से कुछ अलग बयान देके निकल जाते हैं, जबकि ऐसा होना, अगर इच्छा शक्ति है तो पहले तो स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करा जाए, उसके बाद में दूसरे नंबर लगना चाहिए। तो इसमें तो ये है कि अगर कहीं इच्छा शक्ति है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो, उसकी सफाई शुरुआत से हो जानी चाहिए। और रही बात मेडिकल जो एसोसिएशन की बात है, ये फैक्ट है, इनमें जो इलेक्शन होते हैं वो भी उसी हिसाब से होते हैं, वो कमाई के लिए बैठते हैं ये लोग, तो इनकी कहाँ विश्वास किया जाए। और आज की डेट में जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, मैं तो कहता हूँ कि जो मुझे लग रहा है कि ये जो बच्ची है उसको तो शायद मेरे हिसाब से डेड थी, इसीलिए उनको रखा गया, जब उन्होंने बोला कि हम हटाते हैं तो उन्होंने जो है उस दिन हटा दिया क्योंकि वो डेड बॉडी थी। तो जहां तक मेरा इसमें जांच होनी चाहिए, प्रॉपर जांच होनी चाहिए इसकी, जो भी हॉस्पिटल है जांच की बात करी है फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री ने भी। राजीव जी, आप इतना तजुर्बा आपको है, आपने बहुत सारे केसेस और बहुत सारी जो याचिकाएं हैं वो आपने दाखिल की है, कभी किसी तरह की कार्रवाई आपने देखी है कि कोई कार्रवाई हुई हो किसी इस तरह की लापरवाही के बाद? हाँ बिल्कुल, कई मामलों में, बड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई भी हुई है, कई हॉस्पिटल सील भी किए गए हैं, क्योंकि मैं आपके नोएडा से नजदीक जनपद गाजियाबाद से बिलोंग करता हूं, मैं गाजियाबाद का निवासी हूं, मैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी इस तरीके के केस फाइल करता हूं, चूंकि ह्यूमन राइट डिफेंडर हूं नेशनल लेवल पर, कई हॉस्पिटल सील हुए हैं, कई हॉस्पिटल मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, और मैंने खुद 4-6 मामलों में तो एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लेकर के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, ऐसे बच्चों की डेड बॉडियां भी आगे बढ़ करके दिलवाई है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रशासन आ गया, इच्छा शक्ति हो। दूसरी चीज मैं चीज और बता दू, हो सके डॉक्टर भारद्वाज को बुरी लग जाए, मगर सब लोग हर प्रोफेशन में एक से नहीं होते, इसलिए उनको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, वकील और पुलिस, इनको लोग डर करके ही पैसा देते हैं, ये जितना डराएंगे उतना ही पैसा बाहर आएगा। डॉक्टर साहब बहुत कड़वी सच्चाई कह रहा हूं, और जितने बड़े हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में अगर आप 100 पेशेंट एडमिट करते हैं तो 80 को सबसे पहले सीधा वेंटिलेटर पर ले जाया जाता है, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सीधे वेंटिलेटर, क्योंकि जितना वेंटिलेटर पर जाएगा पैसा उतना ही जेब से बाहर आएगा। पेशेंट को भर्ती करने से पहले प्राइवेट हॉस्पिटल उसकी जेब का और उसके घर की स्थिति का आकलन लगा लेते हैं, उसी हिसाब से उसकी फाइल तैयार की जाती है, उसी हिसाब से उसको डराया जाता है, उसी हिसाब से उसको बताया जाता है ये करना चाहिए, और जब ये निकल करके सामने आने लगती है स्थिति उस परिवार की, अब इनके पास से पैसा खत्म होना चालू हो गया, तो फिर धीरे धीरे
धीरे धीरे करके उसके ट्रीटमेंट रोक करके फिर उसको चुपके से लिख दिया जाता है कि अब हम नहीं भाई इसको केयर नहीं कर सकते, आप फला सरकारी हॉस्पिटल ले जाइए। उसका पैसा भी चला गया और एक समय उसका बच्चा भी चला गया। ऐसे में कम से कम 100 घटनाओं का गवाह हूं जिनको बहुत नजदीकी से जानता हूं। तीसरी बात डॉक्टर सुधीर भारद्वाज, मैं आपको स्पष्ट बताना भी चाहता हूं, मैंने देखी की है 4-6 दिन मरे हुए बच्चों को, मरे हुए आदमियों को वेंटिलेटर के सहारे खींच लेते हैं। जब वो ये कहते हैं कि एक बार हमें दिखा तो दो, हमारे पेशेंट तो दूर से शीशे में से कम 10-5 मीटर दूर से दिखाया जाता है कि आप यहां से देख लीजिए। अब वो कहते हैं एक बार कि दिखा तो हम देंगे, आप उसको ले जाइए, आप रोज रोज तमाशा ना करिए, मगर हमने मशीनें हटा दी तो ये मर गया, हमारी कोई जिम्मे। अरे मर तो वो पहले ही ऊपर है, डॉक्टर की मैनेजमेंट की आत्मा मर चुकी है, जो इसका पैसा लग रहा है, जिसका बच्चा लास्ट वो उसको देख भी नहीं सकता कि क्या है, आप उसको धमका रहे हैं कि ले जाइए। सवाल ये भी है कि अगर मरीज की जान बच भी जाए तो क्या उतनी बड़ी रकम जस्टिफाइड है कि आप एक एक किस्म का इलाज कर रहे हो, खासतौर पर डेंगू जैसी बीमारी का अगर आप इलाज कर रहे हैं और उसके लिए आप इतनी बड़ी रकम वसूल ले। डॉक्टर भारद्वाज क्या देखिए क्या है, हमारी कंट्री में 43% लोग गरीबी में जा रहे हैं सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन कराने के लिए। लोग अपने प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, एसेट्स बेच रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं सिर्फ इलाज कराने के लिए। बिल्कुल। और दिन प्रतिदिन ये सिचुएशन और क्रिटिकल से क्रिटिकल होती जा रही है। मतलब ये स्टडी बिल्कुल फैक्ट है कि 43% लोग हर साल गरीब हो रहे हैं सिर्फ इलाज कराने की वजह से। और हमको ये सोचना चाहिए आज कि क्या ये गरीबी को बढ़ाना है, क्या लोगों को ऐसे ही मारते जाना है। जो अभी हम जैसे पहले साहब बात कर रहे थे बिल्कुल सही बात कर रहे थे, मैं उनसे सहमत हूँ आपकी बात से और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमको इसका समाधान निकालना चाहिए। मैं आपके विचारों को किसी बड़े स्टेज पर जरूर लेके जाऊंगा। समाधान क्या होगा, आप यही बात कर रहे हैं कि आखिर समाधान क्या होगा, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, मगर ये कड़वी सच्चाई है। हाँ जी सर बिल्कुल, इसका समाधान मैडम एक ही है कि रेट फिक्स करो और ये जो हॉस्पिटल जितने भी है जिनको फ्री में जमीन दे रखी है इनसे इसकी कीमत वसूलिए। डॉक्टर साहब क्या है कि जिनको कुछ करना चाहिए वही कहते हैं कि कुछ होना चाहिए। रेट फिक्स में आप या मैडम सुजाता या टीवी चैनल नहीं फिक्स करेगा, रेट फिक्स सरकार करेगी और ये सरकार ये बड़े हॉस्पिटल और शिक्षण संस्थान उन सरकारों में हिस्सेदारी है। जब इन पर लगाम कसने की बात आती है तो सरकार बिल्कुल, यहाँ सिर्फ किसी डॉक्टर की फीस की बात नहीं हो सकती है, वो शायद वेरी कर सकती है तजुर्बे के हिसाब से, उसमें वो वेरी कर सकती है, लेकिन एक ग्लव्स जिसका इस्तेमाल होता है जो डिस्पोजेबल होता है जिसे एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है उसकी क्या कीमत हो सकती है, 2700 रुपए। एक सिरिंज जिसे एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है उसकी कीमत क्या 650 रुपए हो सकती है। सुजाता जी डॉक्टर साहब तो नहीं बता पाएंगे शायद, मगर मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, मैं कह दिया एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर वहां बिस्लरी की या पेप्सी की बोतल आती है सील बंद तो उस पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ऊपर नहीं बेच सकते, उसका बिल देना पड़ेगा। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि उसका ढक्कन खोलकर आपको गिलास में सर्व करके देते हैं, फिर मनमाने पैसे वसूल जी। यही धंधा हॉस्पिटलों में भी हो रहा है। बताइए कि जो उस पर मैक्सिमम जो लग्जरी में आता है उसको लग्जरी में आता है ओपन पर ये रेगुलेटरी नियम लागू नहीं होता। मुद्दा इस बात का है कि वो सील बंद पैकेट जो उस पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस बेचते हैं उस बिल में मेंशन क्यों नहीं होता। जी पवन जी, आप क्योंकि राजनेता है ये भी सवाल उठता है कि क्या लग्जरी की कीमत या एंटरटेनमेंट की या खाने पीने की जो कीमत है वो किसी की जान से ज्यादा गंभीर है कि हम खाने पीने की चीजों पर एमआरपी तय कर देते हैं, एंटरटेनमेंट पर एमआरपी तय कर देते हैं, उसकी कितना उसकी वसूली हो सकती है, उसका टैक्स कितना होगा हम कर सकते हैं, लेकिन जीने और मौत से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। नहीं लिमिट तो होनी चाहिए, हम गंभीर नहीं है, साफ बात है। नहीं नहीं जो भी है नियम कायदे कायदे कानून बनने चाहिए चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो और शायद खास करके जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके लिए तो ये कंपलसरी होना चाहिए और सरकार को उसमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारी सरकार आएगी
तो पहले भी हमने ध्यान दिया आगे, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं कांग्रेस की सरकार है वहाँ कोई ऐसी पहल हुई है तो हम जाने कि आप वाकई सच बोल रहे हैं। देखिए अगर कानून लाने की कोशिश करिए, डॉक्टर ने माना नहीं है लेकिन फिर भी सरकार डॉक्टर सरकार से ऊपर नहीं है, अभी भी लगे हुए डॉक्टर सरकार से ऊपर नहीं है। सरकार अपनी बात है तो देश की करेंसी बदल कर दी जा रही है जी, देश में ये व्यवस्था क्यों नहीं ठीक की जा सकती है, ये बड़ा सवाल है। अगर सरकार अपनी बात है तो देश की करेंसी बिल्कुल सही बात आप बताइए राजीव जी, हमें क्यों बड़ी करनी है, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल कड़े फैसले लेने के लिए सरकार जानी जाती है। मोदी सरकार का कहना है कि वो गरीबों की सरकार है, लेकिन सच यही है कि गरीब एक सरकारी अस्पताल में भी मर रहा है और एक ऐसा मरीज भी है जो बड़े अस्पताल में जाता है तो उससे कई गुना ज्यादा कीमत वसूली जाती है और इसे इलाज कराकर वो और ज्यादा गरीब हो रहा है। जरूरत है सरकार को वो उस पर अमल करने की जिसका दावा वो करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन जी, राजीव जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर भारद्वाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल पेशकश में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।